श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथी के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसलिए कालिंद्री अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र मिल जाएं। श्री सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तभी भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परमधाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि है, बद्रिका आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि, इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है, गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है, वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है, भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते, इसलिए अब तुम लोग वज्रनाव को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा बेड़ू मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणानुवाद से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा, वे ही भली भांति तुम लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए, उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यंत्र न जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था, वे गले में बनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई, जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए, अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश आया, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख
अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगी। मौली श्रीमद भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद भागवत महात्म के तीसरे अध्याय श्रीमद भागवत की परंपरा और उसका महात्म भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति का प्रसंग श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात, तुम जो कुछ कह रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हारे शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनकी प्रपुत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवासे कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मनरूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है, प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनमें सहस्रों चिन्हमय किरणें निकलती रहती हैं, इससे उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं। राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है, उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु जब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन प्राप्त होता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है, अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है।
भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। हे परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुणी प्रधान से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधान से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मा, आप नार अर्थात जल में